नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं ईस्ट दिल्ली की कुछ आवश्यक खबरें। यमुना विहार पार्षद प्रमोद गुप्ता ने अपने कार्यालय में हाउस टैक्सेस पर 15% छूट देते हुए लगाया कैंप और बताया कि अब हाउस टैक्स को जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन भुगतान से ही की जा सकती है। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बिना कागजों के हाउस टैक्स नहीं भरा जाएगा। प्रमोद गुप्ता ने हाउस टैक्स के कागजात की जानकारी भी दी और कहा, अपने साथ पुरानी हाउस टैक्स की रसीद, आधार कार्ड, रजिस्ट्री की कॉपी, पेमेंट के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड और पेटीएम या एटीएम साथ ज़रूर लाएं, तभी आपका हाउस टैक्स भरा जाएगा। देखिए, लोगों की सुविधा हेतु इस बार जो नए चेंजेज आए उससे थोड़ा सा लोगों को समझने में परेशानी हो रही थी। आज हमने कैंप का आयोजन किया है, न सिर्फ आज, इसके अलावा निरंतर मेरे ऑफिस से काफ़ी लंबे समय से लोगों की सुविधा हेतु काम कर रहा है। हम लगातार लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, अपने कार्यालय से, अपने ऑनलाइन यहाँ से लगातार, मैं समझता हूँ 25-30-40 लोगों का नित्य हमारे यहाँ से भरवाने में मदद की जा रही है। आज भी कैंप लगा हुआ है, निगम के अधिकारी आए हुए हैं और आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। अभी तक भी 50-55 लोगों को, जैसा भी मुझे बताया, जिनका टैक्स भरा जा चुका है। तो मैं समझता हूँ लोगों को अपने घर, अपने द्वार पर ही ये सुविधा मिल रही है तो अच्छा रहेगा। देखिए, मैं हर वर्ष कैंप लगाता हूँ लोगों की सुविधा के लिए। हमारा प्रयास है कि अभी कोरोना काल के अंदर लोगों को ऑफिसेज ज़्यादा आना जाना अपने क्षेत्र में, अपने घर के आसपास ही सुविधा मिल जाए, ज़्यादा आना जाना ना पड़े, तो उसको ध्यान में रखते हुए कैंप लगाया। और मैंने जैसे आपको बताया, हम निरंतर बराबर अपने ऑफिस से भी रोज हम यहाँ पर टैक्स जमा कराने की कार्रवाई करा रहे हैं। बाकी जो संख्या आप देख रहे हैं कि अब इस पर मैं यही कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोगों को थोड़ा सा लेट चलने की आदत है। बाकी कुछ ऐसे चीज़ें भी आ रही हैं कि ऑनलाइन करने की वजह से बहुत सारे लोग, कुछ वयोवृद्ध लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को उतना समझते नहीं, ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो ये सब समस्याएं आ रही है। पहली बार ऐसा किया है तो जिसकी वजह से उन्हें समझाए जाने की उनको हेल्प की आवश्यकता है और मेरा ऑफिस कार्यालय निरंतर लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।